अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीडन एंड स्क्वेयर। ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी भी है और ये एक थ्योरम भी है और ये पेपर में मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब किस तरह से सॉल्व करें आपको पता होना चाहिए कि ओरिजन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजन, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्क्वेयर है, कि हम ओरिजिन और स्क्वेयर में चेंज कर देना तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये असल में चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि उसमें से कुछ ऐड या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना वैल्यू में से। मोस्टली जो डाटा होता है हमें एक्स और वाई का ही दिया जाता है, एक्स और वाई का जो गिवन डाटा होता है उसमें से हम लोग कुछ ऐड कर दें या उसमें हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग, इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व करते हैं। समटाइम्स हमें आ जाता है ना क्वेश्चन, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन आ जाएगा, एक्स माइनस ट्वेंटी आ जाएगा, एक्स प्लस टेन आ जाएगा, तो वो हम डेटा में चेंजिंग करके तो उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर वही आता है। तो ये है कि उसमें से कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट करना चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। इसी तरह स्क्वेयर जो है वो भी यही चीज़ है, चेंज ऑफ स्केल मतलब हम उसके साथ डिवाइड डिवाइड करवा देंगे वैल्यू को। अच्छा जी, यहाँ पे ए और बी जो हैं वो न्यू ओरिजिन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एच और के जो हैं वो हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट हैं। तो अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक के अंदर आपको ये लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहरहाल प्रूफ के लिए डायरेक्ट आप लोगों ने सपोज करना है कि यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एच ओवर ए, यानी कि आप जो एक्स गिवन डाटा है उसमें हम कुछ माइनस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उसको डिवाइड भी करवा रहे हैं, और जो हमारे पास चेंजिंग के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको हम न्यू नाम दे रहे हैं जो है यू, और इसी तरह वी का वाई माइनस के बाई बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें एक्स भी तो ज़ाहिर है मेन चीज़ जो है वो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू भी निकाल ली, उसके बाद हम लोगों ने उनके ऊपर मीन अप्लाई कर दिया, बार ले ली, हो गया एक्स बार इज इक्वल टू ए इंटू यू बार प्लस एच, इसी तरह वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू वी बार प्लस के। तो कॉन्स्टेंट्स पे तो अप्लाई नहीं होता, तो जाहिर है ये देखिए एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा वेरिएबल पर अप्लाई होता है। एक्सपेक्टेशन ए बाहर आ गया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे अप्लाई हो गया, इसी तरह प्लस बी वैसे का वैसे ही आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी हो नहीं सकती, यानी एक्सपेक्टेशन जो है वो खाली बी मतलब ये जो मीन होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही तो होती है, तो वो इसके यानी वेरिएबल्स पे अप्लाई हो गए। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इसकी ये प्रॉपर्टी देखें तो ए इंटू एक्स बार प्लस बी, यानी ये बार जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मीन है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा कॉन्स्टेंट्स पे। तो नेक्स्ट, अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, जब हम एक्स को माइनस करेंगे एक्स बार में से तो ए इंटू यू माइनस ए इंटू यू बार हो जाएगा, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास यू माइनस यू बार बचेगा, दोनों को माइनस कर देंगे ना जब आप, तो आपके पास सिंपली ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसी तरह वाई माइनस वाई बार करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हमें एक फार्मूला पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ये वाला, ये आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए फार्मूला, तभी आप जो है वो प्रूफ वगैरह कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है आर एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, यानी पहले मल्टीप्लाई हुए हैं देन उनका समेशन ले लिया गया, और उसके बाद अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इस तरह से ये भी हो गया। अब हमने समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी इस पूरे की जगह पे हमने जो है वो एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है वो पुट की, वाई माइनस वाई बार की जगह पे वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है हमने वो पुट कर दी, बी इंटू वी माइनस वी बार हो गया, साथ समेशन वैसे का वैसे ही बाहर आ। इसी तरह नीचे भी हम लोगों ने जहाँ पे उसकी थी स्क्वायर के साथ पुट कर दी, और वाई की भी हम लोगों ने इसी तरह से पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्या किया, ए और बी जो दोनों कांस्टेंट है तो समेशन कांस्टेंट्स पे भी आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ए भी बाहर आ गया, समेशन जो है वो यू माइनस यू बार वी माइनस वी बार के ऊपर अप्लाई हो गया एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर बाहर आ गया और इसी तरह से हमारे पास बी स्क्वायर बाहर आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और समेशन जो है वो अंदर वाली वैल्यूज पर अप्लाई हो गए। अब ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के ये अंदर हैं, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो इनका जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, ए बी रह जाएंगे, तो समेशन यू माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार है, और नीचे इसी तरह वैल्यूज हैं, अब ये ख़त्म हो जाएंगे और ये ऊपर वाला ए बी जो है वो नीचे वाले ए बी के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो अब ये जो फार्मूला बना है आप इस फार्मूले को इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर एक्स वाई है सेम यही चीज़ है यू वाई के साथ, यू वी के साथ सॉरी, इसी तरह ये यू वी के साथ है, तो इसको हम आर इंटू एक्स वाई की जगह आर इंटू यू वी कर देंगे। एक चीज़ आपको पता है कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, यानी कि सिमेट्रिक
प्रॉपर्टी एक तरह से इसे कह लें, तो कोरिलेशन, जो कोरिलेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मोस्टली जो आपको देखने में मिलती है, वो दी कोरिलेशन कॉफिशेंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसी तरह यू एंड वी। तो इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं कि आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी, यानी ओरिजिन ऑफ स्क्वेयर जो है वो ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, यानी इंडिपेंडेंट है वो इन चेंजेस से। तो रिजल्ट है कोरिलेशन कॉफिशेंट रिमेन सेम बाय चेंजिंग ओरिजिन एंड स्क्वेयर, इनको चेंज करने के बाद भी ये हमारे पास जो है वो सिंपल अनचेंज्ड ही रहेंगे। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।